और योगी सरकार ने ऑपरेशन ड्रग माफिया की शुरुआत की है और इसी को लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी से हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने जो कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। योगी सरकार के मिशन ड्रग माफिया के अभियान को आगे बढ़ाने वाले एसीएस होम हमारे साथ हैं। अवस्थी जी, राष्ट्रीय अपराध माना जाए नशे के कारोबार को, इसे किस रूप में आप लोग व्याख्यायित करना चाह रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कल परसों से आदेश दिया है पूरी पुलिस फोर्स को, जनपद के प्रशासनिक व्यवस्था को, कि ड्रग्स और ड्रग्स के अवैध व्यापार, अवैध शराब, इन पर बहुत सख्ती से जो है इन पर कार्रवाई की जाए। ये जो हमारा यूथ है, ये इसकी चपेट में अगर आ जाता है तो यूथ का भविष्य भी दांव पर लग जाता है और प्रदेश में एक अव्यवस्था फैलती है। उन्होंने कल निर्देश दिया है, आपने देखा होगा जगह जगह छापेमारी डीजीपी और उनकी पूरी टीम द्वारा किया गया है। ड्रग्स को रोकने के लिए एक पूरा सेटअप जो है नया स्टार्ट किया गया है। कल एक नए तरफ से जो है डीआईजी एंटी नारकोटिक्स को तैनात किया गया है। नए थाने खोले जाएंगे बाराबंकी और गाजीपुर में, जो केवल ड्रग्स और ड्रग्स रिलेटेड इश्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे। और कोशिश यह है कि अगले 7 दिन में हर जिले के जिलाधिकारी, वहाँ के पुलिस अधीक्षक, सीबी थानेवार समीक्षा करते हुए ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों पर छापेमारी करें, कार्रवाई करें। बॉर्डर्स पर जो जनपद हैं, जहाँ के बॉर्डरिंग चौकी हैं, थाने हैं, वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दें और ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाकर उनकी संपत्ति जब्त करके उन पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करते हुए प्रभावी कार्रवाई करें। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम हुआ है, जिसमें 144 कार्यों को 260 करोड़ की जो धनराशि थी वो अच्छे नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की जो पिछली नीति है माननीय मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी के रूप में, उसको आगे आज शासन से आदेश जा रहे हैं कि विद इन 7 डेज हर जिले में थाने वाइज जो है ड्रग और ड्रग से रिलेटेड लोगों का रिव्यू किया जाए, अवैध शराब से रिलेटेड लोगों का रिव्यू किया जाए और उसके बाद यदि कहीं क्षेत्र में कोई पकड़ा जाता है तो वहां के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। केंद्र की जो एजेंसीज हैं ड्रग्स के खिलाफ जो काम करती हैं उनकी भी सहायता ली जाएगी, प्रतिनियुक्ति पर उनके अधिकारियों को भी लाया जाएगा? देखिए, केंद्र की एजेंसी से निरंतर 24 घंटे जो है हमारी अपनी एजेंसी संपर्क में रहती हैं, केंद्र की एजेंसीज का सहयोग लेती हैं, उनको सहयोग भी फील्ड में ग्राउंड लेवल पर देती हैं, तो वो काम तो निरंतर चलता रहेगा। नशे के सौदागरों की अब खैर नहीं है, ऐसा कहना है एसीएस होम अवनीश अवस्थी का, क्योंकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर बेहद संजीदा हैं और उनके जो अधिकारी हैं वो भी बेहद अलर्ट हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।